हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। ये वीडियो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ या फिर कप, मतलब अलग अलग देश अलग अलग नाम की ट्रॉफी और कप देते हैं, वो कौन से खेल से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है। आपको क्या बोलेगा, किसी ट्रॉफी का नाम दे देगा वो। जैसे बोलेगा अजलान शाह कप कौन से खेल से रिलेटेड है, वो बोल दे देगा हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल और क्रिकेट। ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। आपको वहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन सा कप या फिर कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल के रिलेटेड है। इसलिए इस वीडियो में हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे कप होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने के चांसेज है, वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। इसी में से आता है घुमा फिरा करके जो भी चीज़ आती है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट नंबर का जो इस साइड में हम जो भी करेंगे वो ट्रॉफी या फिर कप का नाम होगा, और इस साइड में जो लिखा हुआ है वो कौन सा खेल है, किस खेल के रिलेटेड है, वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है अजलान शाह कप या फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप, या फिर नहीं और है ये, है ना, अलग अलग कप है तीनों। अजलान शाह कप, एशिया कप और वर्ल्ड कप, ये तीनों हॉकी से रिलेटेड है। सेकंड की अगर बात करें, कनाडा कप, राइडर कप और डन हिल कप, ये तीनों गोल्फ से रिलेटेड है। थर्ड की बात करें, फीफा कप, मडोरका कप और यूरो कप, ये तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है। फोर्थ की अगर हम बात करें, बेसेन एंड हेजेस कप क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, बेसेन एंड हेजेस कप क्रिकेट के रिलेटेड है। इंग्लिश में भी इनके ऐसे ही नाम है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेम टू सेम। जैसे बेसेन को हम इंग्लिश में बेसेन लिख देंगे, वही है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है इंग्लिश में, जो है वही है, सेम है। जैसे थॉमस कप है तो इंग्लिश में भी THOMS थॉमस और CUP कप इस तरीके से लिख देंगे। फिफ्थ है थॉमस कप बैडमिंटन। अब देखिए दो चीज़ें, बैडमिंटन जो वर्ल्ड कप होता है बैडमिंटन का, वो मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, मतलब पुरुष के लिए भी होता है, महिला के लिए भी होता है। तो पुरुष के लिए जो बैडमिंटन वाला विश्व कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसमें जो ट्रॉफी दी जाती है, कप दिया जाता है, वो होता है थॉमस कप, उसका नाम है थॉमस कप। और फीमेल के लिए जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है, उसके लिए जो कप दिया जाता है, उसका नाम है उबेर कप। तो दोनों का अलग अलग है, ध्यान रखना, महिला के लिए अलग है और पुरुष के लिए अलग है। थॉमस कप मेल के लिए है और उबेर कप फीमेल के लिए है। ठीक है, सेवंथ की बात करते हैं। सेवंथ में लिखा हुआ है सुंदरीमन कप, बैडमिंटन के रिलेटेड है। ये कप मेल को भी दिया जा सकता है और फीमेल को भी दिया जा सकता है। ठीक है, सुंदरीमन कप। एट्थ नंबर है सूडान कप और वेस्ट चेस्टर कप, अलग अलग है दोनों के नाम। ओके, सूडान कप अलग है और वेस्ट चेस्टर कप, दोनों कप पोलो खेल से रिलेटेड है, पोलो के लिए दिया जाता है। नाइन्थ की बात करेंगे तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये गोल्फ से रिलेटेड है, इंग्लैंड इसको देता है। ठीक है, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप कौन सा देश देता है। आपको दे देगा इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ऐसे अलग अलग नाम दे देगा। आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन सा देश देता है। तो ये ध्यान रखना है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से रिलेटेड है और इंग्लैंड देता है इसको। किंग्स कप हवाई दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित है और इसको ब्रिटेन देता है। मिलेनियम कप क्रिकेट से रिलेटेड है। 12th नंबर है ब्लूकिंड ट्रॉफी, दौड़ से संबंधित है, रेस से। ओके, 13 की अगर हम बात करें तो 13 में लिखा हुआ है अमेरिका कप, नौका दौड़ से संबंधित है, बोट रेस। 14th है नेट वेस्ट ट्रॉफी, ये क्रिक से संबंधित है, CRIC के क्रिक से संबंधित है। 5th है टाटा मेमोरियल कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद में आता 16 नंबर है, देखो डेविस कप और ऑस्ट्रेलिया कप, दोनों कप लॉन टेनिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, डेविस कप और ऑस्ट्रेलिया कप दोनों। उसके बाद में जो है कोपा कप, 17th नंबर देखो कोपा कप और कोलंबो कप, ये दोनों फुटबॉल से रिलेटेड है। अब फुटबॉल को आप लिख लेना फुटबॉल इस तरीके से इंग्लिश में, अगर आप बोलो इसे इंग्लिश और हिंदी सेम है नाम, है ना, फुटबॉल है तो फुटबॉल लिख लेना, उसको कोपा कप है तो COPA या फिर KOPA कोपा कप लिख लेना, ऐसे कोलंबो में भी कोलंबो लिख लेना, ऐसे सेम हो जाएगा आपका। इंग्लिश हिंदी नाम दोनों का सेम है, कोपा को इंग्लिश में कोपा लिख देंगे। ठीक है, तो कोपा कप और कोलंबो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे अभी कोपा कप ने जितने भी हम पढ़ रहे हैं सारे सजेस्ट, शीडर कप है तो शीडर को भी इंग्लिश में शीडर लिख लेंगे, फ्रेंच ओपन है तो फ्रेंच को इंग्लिश में फ्रेंच ओपन इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 18th नंबर देखो शीडर कप और बाकर कप,
ये दोनों गोल्फ से रिलेटेड है। 19th नंबर है फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन, ये दोनों लॉन टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख लो, देखो डेविस कप भी लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी लॉन टेनिस से रिलेटेड है, फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन। तो देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन तीनों जो ओपन है वो लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ओके उसके बाद में 20 नंबर है कार लान कप, ये जो फीमेल के लिए दिया जाता है महिला के लिए, और श्वेत लिंग जो श्वेत लिंग कप है, श्वेत लीग कप है वो मेल के लिए दिया जाता है, पुरुष के लिए दोनों किसके लिए, विश्व कप जो वर्ल्ड कप होता है टेबल टेनिस का उसके लिए है। तो अगर आपको पूछे कि कार्लान कप किसके लिए दिया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि महिला के लिए दिया जाता है और वर्ल्ड कप टेबल टेनिस के लिए, और श्वेत लीग कप है वो मेल के लिए दिया जाता है, पुरुष के लिए विश्व कप है, वर्ल्ड कप है टेबल टेनिस के रिलेटेड। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट है वो है एसेज कप, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये सारे मैंने आपको 22 तरीके के अलग अलग तरीके की ट्रॉफी या फिर कप बताए हैं, और उनसे वो ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है वो मैंने आपको बताया, सारे इम्पोर्टेंट है, कोई भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसे तो और बहुत सारे हैं लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इसमें से आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं और सब्सक्राइबर कम है, तो अगर आपकी हेल्प होगी तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू।